आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। जानो मदरसा चौक बलसुकरा में कांग्रेस पार्टी मांडर विधानसभा के प्रत्याशी सन्नी टोप्पो के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि 17 साल की शासन काल में आजसू और भाजपा ने राज्य को क्या दिया है, यहाँ तक के सड़क बिजली पानी से दूर है गांव। गठबंधन पर बोलते हुए श्री उरांव ने कहा कि लंबी चौड़ी मांग के कारण झारखंड विकास मोर्चा के साथ गठबंधन नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो बिजली और पानी के बिल माफ करेंगे, साथ ही किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। श्री उरांव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, रघुवर सरकार भूख से मौत पर भी राजनीति करती है, ऐसे सरकार को हटाना होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। गांव के हालात को देखो, ये रघुवर दास जी जो इतना बोलते थे झारखंड का विकास हो गया, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। अगर उनको पकड़ करके, अपना तो जाएंगे नहीं, पकड़ करके लोहरदगा के किसको इलाके में ले जाया जाए गांव में, तो शर्म आएगी उनको कि क्या बोलते थे वो और है क्या, आगे क्या जमीन में क्या है और वो क्या बोलते हैं। साथियों, भाजपा और आईसीपी, ये दोनों पार्टी की सरकार यहाँ लगभग 17 साल से चल रही है। उन्होंने दिया क्या ये हमको विचार करना है, मतदाताओं को आज विचार करने की जरूरत है तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, मैंने स्पष्ट किया कि सरकार ही करती है ये सब, सड़क बनाना, बिजली पैदा करना और देना सबको, है ना, पानी की व्यवस्था करना, अस्पताल बनाना, दवा देना, स्कूल बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सरकार करती है। हमारी आज दुर्दशा में है चीज़ें, व्यवस्था अच्छी नहीं है सब क्षेत्र में, तो जब सरकार हमारी बनेगी तब इसमें सुधार लाएंगे और सुविधाएं जो चाहिए इंसान को हम उसको मुहैया कराएंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब से कोई आश्वासन या किसी तरह की मीटिंग में हम लोगों को बुलाया नहीं गया, इसीलिए गठबंधन नहीं हुई और गठबंधन टूटा, ऐसा है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो आदरणीय नेता है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये पूछ लीजिएगा अकेले में रामेश्वर उरांव 5-6 मिले कि नहीं आपके डेरे में जाके, और क्या कहा था, इतना ही। लोग इस बात को लेके जा रहे हैं कि झारखंड का जो भविष्य होगा, झारखंड में जो पिछला सरकार था इसको कैसे हटाएंगे, इसी बाबत गठबंधन बना है। और गठबंधन का उम्मीदवार सन्नी टोप्पो इस क्षेत्र के लिए नया नहीं है, काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से और सामाजिक के माध्यम से भी, तो लोगों का पूरा भरोसा और विश्वास समर्थन उनको मिल रहा है। और हमें लगता है कि 7 तारीख को गठबंधन के पक्ष में तमाम समुदाय के लोग अपना मत देंगे और समर्थन।